अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो मीटिंग होती है यूएस प्रेसिडेंट के साथ, इस मुलाकात में एक बार फिर जो वजीर आजम इमरान खान है वो कश्मीर के इशू पर डोनाल्ड ट्रंप की तवज्जो दिलाते हैं और उस पर फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको कहते हुए नजर आए कि हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की सिचुएशन को। अब पहले भी डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की मुलाकातें दो बार ऑलरेडी हो चुकी हैं और दोनों बार ही ट्रंप की जानिब से मेडिएशन या सालसी के किरदार अदा करने की बात होती हुई नजर आई, लेकिन उसके बाद फिर कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। इस बार क्या मुख्तलिफ होगा या क्या कुछ उम्मीद रखनी चाहिए? जो वजीर आजम का डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप से। देखिए नीलम, बेसिकली बात यह है कि कल बिल्कुल इट्स वेरी खुश आइन कि दोबारा मुलाकात हुई, प्रेजेंट्री डिस्कशन हुई, वर्ड्स कहे गए, लेकिन बात यह कि प्रेजिडेंट ने दोबारा ये कहा जी कि मैं सालसी के लिए तैयार हूँ। द इशू ये हमें, हम पिछले दो तीन मीटिंग में भी हमने सुने, वी वॉन्ट द फिजिकल मैनिफेस्टेशन कि इसके आगे क्या स्टेप लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत ये वादे सुन लिए, बात भी सुन ली, अगर अमेरिका चाहे सालसी का किरदार अदा करना या इंडिया को कहे कि कश्मीर में जुल्म बंद करो, आप यहाँ पर कर्फ्यू ख़त्म करें, बेसिक ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही हैं वो ख़त्म करें, तो फिर अमेरिका इंडिया में थिंक 100 टाइम बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स। सो हमें अब अल्फाज नहीं चाहिए, वी वांट एक्शन, और एक्शन चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप को एटलीस्ट करने के लिए। जो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कर दी कि वी आर देयर फॉर